राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे मकर राशि के लोगों का भाग्योदय कब होता है, यदि जीवन में सफलता नहीं मिल रही तो क्या उपाय करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राशि चक्र की 10वीं राशि है मकर राशि। इस राशि के स्वामी शनिदेव को माना जाता है। मकर राशि के जातक अति महत्वाकांक्षी होते हैं। इनका शाही स्वभाव और व्यक्तित्व गंभीर होता है। इनको अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इन्हें यात्रा करना पसंद होता है। गंभीर स्वभाव की वजह से किसी को मित्र बनाने से पहले काफी सोचते हैं। आइए जानते हैं मकर राशि किन लोगों की होती है। जन्म कुंडली के अनुसार चंद्रमा के साथ 10 अंक लिखा होता है, उनकी मकर राशि होती है। भू, जा, जी, खी, खू, खा, खो और गा शब्दों से जिनका नाम शुरू होता है उनकी मकर राशि होती है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी भाग्योदय अवश्य होता है। भाग्योदय होने पर व्यक्ति को जीवन में सफलताएं ही सफलताएं प्राप्त होती हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में हर राशि के भाग्योदय का समय अलग अलग दिया गया है। आइए जानते हैं मकर राशि के जातकों का भाग्योदय कब होता है। मकर राशि के जातकों का भाग्योदय 25 साल की उम्र में शुरू होता है। 33, 35 या फिर 36 वर्ष की उम्र में भी भाग्योदय की प्रबल संभावना रहती है। जीवन के इन सालों में मकर राशि के जातकों को अपने भाग्य को आजमाना चाहिए। इन सालों में यदि मकर राशि के व्यक्ति कोई कार्य करते हैं, चाहे वह नौकरी से जुड़ा हो या व्यापार से, उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर शनि ग्रह कमजोर है या उन्हें कार्यों में सफलता नहीं मिल रही हो तो कुछ उपाय के जरिए शनि ग्रह को मजबूत कर सफलता पाई जा सकती है। भाग्योदय के समय का लाभ उठाया जा सकता है। आइए जानते हैं मकर राशि के जातकों को भाग्योदय का लाभ उठाने के लिए किन उपायों को करना चाहिए। शनिदेव की उपासना करें, शनिदेव के सिद्ध मंत्रों का जप करें, सूर्यदेव को अर्घ दें, पीपल पर जल और दीप दान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, काली वस्तुओं का दान करें। इन सरल उपायों को करके मकर राशि के जातक अपने जीवन में भाग्योदय के समय का उत्तम लाभ उठा सकते हैं। राधे राधे।